शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू आंटी। हम अभी आते हैं। अभी इसी वक्त हमारे कमरे में आओ। से कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं है सुबोध, क्योंकि तुमने हमारे साथ जो खेल खेला है उसके बाद किस मुंह से तुम हमसे कुछ पूछोगे? नहीं, मैंने कोई खेल नहीं खेला सुधा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हमारे और तुम्हारे सही गलत बहुत अलग है, क्योंकि हमने तो आंख बंद करके तुम्हारे प्यार पर भरोसा किया, लेकिन तुम पल्ला झाड़कर भाग गए सुबोध। क्या ये सही था? अचानक गायब हो गई थी सुधा, मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। 8 महीने तक भटकता रहा तुम्हारे लिए, फिर मैंने हार मान ली अपने परिवार के दबाव में आकर। मुझे अलका से शादी करनी पड़ी। हम तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाले थे, घर वालों ने हमें कैद करके रखा था। जैसे तैसे हम उनकी कैद में से छूटकर सीधा भागकर तुम्हारे पास आए, आकर देखा तो तुम अलका को वरमाला पहनाने जा रहे थे। यकीन मानो सुधा,
मुझे नहीं पता था कि तुम माँ बनने वाली हो। और तुम अगर आई थी तो मुझसे क्यों नहीं बात की? सच कह रहा हूँ, मैं अलका से शादी नहीं करता। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है सुबोध, लेकिन हमारे लिए इतना आसान नहीं था। हमने उसी दिन तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया और समाज के डर से हमने उसे अनाथालय में डाल दिया और हमारा नाम बदलकर हम अपने नए सफर पर निकल पड़े। तुमने हमें बर्बाद कर दिया सुबोध। हमेशा हमेशा के लिए हमारे बच्चे से दूर कर दिया। इन 23 सालों में ऐसा एक दिन नहीं गया कि हमने हमारे बच्चे को याद ना किया हो। आज भी हम उसके लिए तड़पते हैं। पता नहीं कहाँ होंगे हमारी बच्चे। इसका मतलब डीएम मधु ही सुधा तिवारी मतलब हमारी माँ है। यश यहाँ आओ ना प्लीज। कितने खास हो। अरे रिचा केक तो काट। मम्मी पापा कहाँ है? अरे अभी तो यही था, अचानक कहाँ चला गया? उनको तो मैंने ऊपर जाते हुए देखा था। सब लोग यहाँ पर हैं तो वो ऊपर क्या कर रहे हैं? उसने मुझसे कहा था कि वो यश की मदद के लिए डीएम मधु से बात करेगा। मुझे लगता है उसी से बात करने गया होगा। कोई नहीं, जब पापा आ जाएंगे हम फिर केक काट लेंगे। बेटा मैं तेरे पापा को बुला कर लाती हूँ। आज हमें हमारी माँ के बारे में बच्चा मरने से पहले हमारी माँ से मिलना चाहता। हम यहाँ के नए डीएम हैं, मधु देवी। अगर हम चाहें तो आप लोगों को आज के आज बेघर कर सकते हैं। हमारी दोस्त प्रिया के बेटे आदित्य को जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, आज के बाद इस घर में नाश्ता लंच और डिनर
हमारे और आदित्य के हिसाब से ही बनना चाहिए। ऋचा की कोक में गर्व खानदान का अंश है, इसलिए आज से वो इसी घर में रहेगी। हम भी इनकी बात से सहमत हैं। ऋचा को अब से इसी घर में रहना चाहिए, ये उसका हक है। तुमने हमें बर्बाद कर दिया सुबोध, हमेशा हमेशा के लिए हमारे बच्चे से दूर कर दिया। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। हे गोपाल, ये आपने क्या किया? जिस माँ से मिलने के लिए तरस रहे थे हम, वो इस रूप में मिली जिसके पास न दिल है न भावना है और ना ही इंसानियत। ऐसी मुश्किल घड़ी है, हमें कुछ भी करके भौजी को रोकना होगा। अरे क्या भौजी, अब यहाँ क्या कर रही है? नीचे ऋचा का क्या करना है? चलिए चलिए भौजी, आइए। हट यहाँ से। ए लड़की, तेरे लाला जी को देखने आई हूँ। मुकेश भाई साहब ने कहा है शायद वो ऊपर आए हैं मधु जी से बात करने के लिए। चल हट जा। जी, जी वो, आप क्यों जा रही हो अंदर? वो देखी ना, खड़ूस है, बहुत खड़ूस है, आपसे भी ज्यादा खड़ूस है बहू। क्या क्या बोल रही तू है? नहीं नहीं बहू जी, वो खड़ूस है, आप मत जाइए ना। चलिए चलिए हट जा बहू जी। वो अरे क्या करिए, पागल हो गया क्या? आपको हमारा डांस कैसा लगा था? नीचे और डांस करके दिखाया आपको? ये देखिए देखिए। बर्थडे के दिन कुछ तो ब्लास्ट होना चाहिए, वरना सेलिब्रेशन का मजा नहीं आएगा। केक काटते वक्त क्या करना है याद है ना? सूरत में लालची और मधु देवी का सच बहू जी को पता नहीं चलना चाहिए। ऋचा के पापा आए थे ना यहाँ, कहाँ गए वो? हमें क्या पता तुम्हारे पति कहाँ है, तुम खुद ढूंढ लो। कैसे बात कर रही है ये? मैं इसलिए पूछ रही थी, ऋचा केक काटने के लिए अपने पापा का इंतजार कर रही है। आप भी आ जाइए नीचे। हमें तुम्हारे पति की लाडली बेटी के केक कटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऋचा के पापा गए कहाँ होंगे? बहू जी वो आप चलिए ना नीचे, जल्दी से जल्दी, आपको सब केक काटने के लिए बुला रहे हैं। चलिए हट यहां से।
ये तो ऋचा के पापा के फोन की रिंगटोन है। ये तो ऋचा के पापा का फोन है ना? हाँ। जी बहुजी, वो हम अपने साथ ऊपर लेकर आ गए थे, हमारे फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था ना, इसलिए। बेचारी केक काटने के लिए अपने पापा का इंतजार कर रही है और ये है कि इनका पता ही नहीं। आप बाहर आ सकते हैं लाला जी। बहू जी चली गई। किसी तरह छुपा लिया आपने, लेकिन और कितने दिन छुपा पाएंगे इस सच को लाला जी? ये सब क्या है लाला जी? मधु देवी मतलब सुधा तिवारी और आप? बेटा वो हमने सब सुन लिया है लाला जी। से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या यह सच है कि आपकी और सुधा तिवारी की कोई बेटी थी जिसे आप? ये सच? इसकी कोई जरूरत नहीं लाला जी। अभी आप नीचे चले जाइए ना, अच्छा आपके बिना केक नहीं काटेगी। सामने खड़े हैं, लेकिन हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? ये कैसा मैं लेने को पाल? यशी को ये केक खाने से रोक रहे थे। इस आदित्य ने यशी को मारने के लिए इस केक में जहर मिलाया है। ये क्या बकवास कर रही हो अंजलि?
को आज के बाद नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी? मैंने केक और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। अगर इसमें जहर होता तो क्या मैं इसे खाता? क्यों करती हो अंजलि तुम ऐसा? क्यों मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आ रही है? चाहती क्या है तू? अंजलि, तुम्हें किसने कहा कि केक में जहर है? यश जी, हम सच कह रहे हैं। हमें आदित्य ने मैसेज, एक मिनट, हम आपको मैसेज दिखा देते हैं। अभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी आदित्य। सच कह रहे हैं, इसने खुद हमें मैसेज करके बताया था कि इसने आपको जान से मारने के लिए केक में जहर मिलाया। हम सच कह रहे हैं। बस अंजलि, ये सब करके तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगी। क्यों करती है अंजलि ये सब? तू क्या मिलता है तुझे? सब जानते हैं कि तुम दोनों साथ हो और तुम ये सब इसीलिए करती हो ताकि तुम्हारे नाजायज संबंध पर कोई बात ना करे। यश जी, बस मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतना गिर जाओगी अंजलि। चाहे तू लाख कोशिश कर ले, मैं तुझे अपनी बेटी का जन्मदिन खराब नहीं करने दूंगी। चली जा यहां से। मैंने उसे कहेगी क्या? आपको मालूम है आपकी बच्ची कहाँ है? हमें नहीं पता। आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ ढूंढते उसे? आपकी बेटी तो हमेशा आपके बहुत करीब थी, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए। कैसी माँ हो आप? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।